हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज आपके लिए लाए हैं एक और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट स्पेशल वीडियो। ठीक है गाइज, आज हमारे चैनल का सबसे पहला ओनरशिप वीडियो होने वाला है, और ओनरशिप भी बहुत ही एक स्पेशल गाड़ी का होने वाला है। सबसे पहले तो भाई आप गाड़ी देख लो, अपनी फोक्स वैगन वर्टस। आप तुषार पूछोगे कि भाई तुषार भाई, इस वाली वर्टस में ऐसा खास क्या है? तो गाइज, ये जो वर्टस है हमारी, ये है GT 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन गाइज। ठीक है, मज़े की बात है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है। तो इसका भाई से ओनरशिप जानेंगे कि उन्होंने कैसे इसको चूज़ करा एंड उनके पास क्या क्या ऑप्शन थे। मोर ओवर उन्होंने DSG को ना प्रेफर करते हुए मैनुअल की प्रेफर करा। अनुराग भाई, एक बार आप आ जाओ फ्रेम में। सबसे पहले तो बताओ भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। और कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपको नई अभी कार लिया आपने, कितना टाइम हो गया भाई आपको लिए हुए? ये 20 दिसंबर को ली थी मैंने, 2023 को। 2023 तो अभी मतलब आज 28 जनवरी है 2024, तो ऑलमोस्ट अराउंड एक महीना ही हुआ है अभी आपको। बाकी आपने मतलब जब आप इसको लेने गए थे, तो आपने वर्टस ही क्यों ली? स्कोडा स्लाविया, हुंडे वरना या होंडा सिटी के ऊपर प्रेफर क्यों नहीं करा, या इवन मारुति सियाज, सुजुकी सियाज? सियाज तो बहुत आउटडेटेड है। हाँ, वो अपडेट नहीं कर रही, उसका कोई मन नहीं है हमारा। ओके, और स्लाविया और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है, दोनों सेम है, जर्मन में आते हैं। बट आपको लुक्स कहीं ना कहीं वर्टस के तरफ अच्छी लगती है, उसका मामला है। और वरना में मेरा कोई लुक्स का थोड़ा लुक्स के चक्कर में, वैसे तो वो ठीक है, गाड़ी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा लुक्स का थोड़ा ज्यादा था कि मेरे को थोड़ी अच्छी गाड़ी चाहिए दिखने में। ओके, तो वर्टस इसलिए प्रेफर करी। और होंडा सिटी आपने क्यों नहीं देखी? एनए इंजन के चक्कर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हाइब्रिड अच्छा है। हाँ, पर दिक्कत ये है, थोड़ी फैमिली सी लुक देती है गाड़ी, थोड़ी सी लुक देती है। हाँ, कंफर्ट भी मिल जाता है उसमें, लुक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्टस इतनी अग्रेसिव लुक नहीं है उसकी। ओके, बाकी अब अंदर चल के एक बार बैठ के बात करते हैं। मेन दो चीज आप अंदर से दिखानी है, बाहर से तो मोर ओवर सेम ही है गाड़ी, DSG एंड अपनी मैनुअल वाली ना। मेन तो गाइस देखो, फर्क है कि यहाँ पे आ गया जो भाई का वर्जन है। आपका भाई GT लिमिटेड एडिशन तो नहीं है ना? वो तो ब्लैक कलर को बोलते हैं, ब्लैक कलर को GT लिमिटेड बोलते हैं ना। बट आप में 2-way आपकी एडजस्टेबल सीट आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक 4-way, सॉरी वो डुअल वाली, डुअल साइड, दोनों पैसेंजर साइड भी है मेरी, वरना में भी गाइस सिर्फ अपना ड्राइवर साइड ही आती है मेन। तो गाइस आप ये देखो, ये है असली चीज, तो असली माल मसाला। और वो तो भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब आप वर्टस GT पे भी गए चलो, लेकिन आप मैनुअल पे क्यों गए? आपने DSG को क्यों नहीं प्रेफर करा? भाई DSG में रिलायबिलिटी इश्यूज थोड़े मेरे को लगता है, मतलब अभी तक कोई आई नहीं, मैंने देखी नहीं इसमें। हाँ जी, पर फिर Volkswagen का सबसे लो ग्रेड DK 200 ड्राई क्लच की वजह से, ड्राई क्लच, हाँ वो तो है, मन नहीं गया कि मैं ले लूं, पर फिर मैंने कहा मैनुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं मैनुअल प्रेफर किया, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब DSG जैसे फेल भी हो जाता है कभी कभी, थोड़ा लैग भी है, लैग तो चलो इसमें भी है, थोड़ा रिलायबिलिटी इश्यूज के चक्कर में आपने मैनुअल प्रेफर करा। मोर ओवर आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी आप मेरे को लगते हो, तो आपको कोई ट्यून वगैरह कराने का इसका इरादा है इस गाड़ी को? जब भी कभी आएगा तो बिल्कुल कराएंगे भाई, कराओगे तो उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि आपकी गाड़ी ज्यादा रिलायबल रहेगी DSG के कंपेयर में। DSG भी रिलायबल हो जाएगा, बट उसके लिए TCU ट्यून कराना पड़ेगा उन लोगों को, तो उसके लिए मतलब खर्चा भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपको तो बस एक ECU फ्लैश करना है, आपको क्लच के मामले में कुछ छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। मोर ओवर आपकी गाड़ी अभी चली कितनी है, दिखा सकते हो मीटर में? 3161 चली। अरे सही है यार, एक महीने में आपने 3000 किलोमीटर प्लस पार कर दी। मैंने अक्टूबर में गाड़ी ली थी, मैं अभी तक 3000 नहीं कर पाया। रनिंग का है भैया, थोड़ा चलती रहती है। हाँ, और मेन आपकी रनिंग भाई, मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन है आप चला रहे हो, हाईवे रनिंग ज्यादा है या आपकी सिटी में ज्यादा चलती है? सिटी में ही है ज्यादा, तो सिटी में ज्यादा है। तो अभी आपको क्या एवरेज निकाल के दे रही है ओवरऑल? भाई अभी 14 किया, चलो अभी तो हाईवे से आए हैं, थोड़ा भगा भी रहे थे। अच्छा, वैसे जब आप सिटी ड्राइविंग करते हो प्रॉपरली, तो आपको क्या एवरेज दिखा रहती है आपकी? वह एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी तो आती है ना मैनुअल के बाद भी, तो वो मतलब 2 सिलेंडर मोड इंगेज हो जाता है सिटी में ज्यादा टाइम होता है, पर तो क्या एवरेज मिल जाती है आपको? ये एवरेज जब बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो 8.5-9 के करीब। हाँ, पर जब थोड़ा खुला होता है जैसे गुड़गांव वगैरह चले गए, मैं दिन के टाइम बता रहा हूँ आपको, थोड़ा रश में तो 12-13 के आसपास दे देती है। अच्छा, पर अगर एकदम ही बिल्कुल खाली है तो इसके एवरेज मैंने 21-22 की भी निकाली है। अरे लोग तो इसकी 35-40 भी निकाल देंगे अगर इसको हाईवे रनिंग पे आप ले जाओ ना, और एक्टिव सिलेंडर चालू हो जाए इसका 2 सिलेंडर मोड जब, तो उसके बाद तो 35-40 में निकाल देगी। पर फिर वही 60 के नीचे रखनी पड़ेगी, एक्सेलरेट नहीं कर सकते अग्रेसिवली। हाँ, 60-80 के बीच के अंदर रखनी पड़ेगी। और मोर ओवर ना उसका मेन तो मतलब ना स्पीड से नहीं होता, उसका मेन होता है कि 2000 RPM के नीचे जब आपकी गाड़ी रहती है ना, तो 2 सिलेंडर मोड में चलती है। 2000 RPM से ऐसी ऊपर जैसे आप थोड़ा सा भी एग्रेसिव थ्रॉटल कर दोगे ना, तो वो अपना 2 सिलेंडर मोड हटा देगा। ये तो हो गया आपका, आपने गाड़ी क्यों ली। अब आते हैं कि भाई सर्विस तो अभी आपने क्यों कराई होगी, 3000 चल रही है इसकी, पहली सर्विस आपके कितने टाइम पे आएगी? पहली आएगी 7500 में, इसका ऑयल चेंज का आ जाएगा।
फिल अप करना ऑयल चेंज, अच्छा मतलब थोड़ा टॉप अप करना, टॉप अप वाला मेन फर्स्ट सर्विस तो प्रॉपर वाली जो होगी वो 15,000 पे होगी ना सीधा, अभी कोई नहीं। बाकी आपका जैसे आपने कहाँ से पहले गाड़ी उठाई है भाई, कितना डिलीवरी का वेटिंग पीरियड था आपका? भाई मैंने अक्टूबर में बुक कराई थी पड़पड़गंज में, अच्छा दिल्ली के अराउंड में आपने कराई थी एनसीआर में, उन्होंने दी नहीं मेरे को गाड़ी दिसंबर के बाद तक भी नहीं दी, तो मैं उन्होंने एक्सपेक्टेड आपको डिलीवरी डेट कब तक की बोली थी? उन्होंने बोलता हम आपको दिवाली के अराउंड दे देंगे, अच्छा नवंबर में दे देंगे, बट दे नहीं पाए, वो दे नहीं पाए। तो फिर मैंने इधर अपना जलंधर वगैरह फोन किया तो उनके पास गाड़ी थी तो मैं वहां से लाया। अच्छा पंजाब साइड से आप लेके आए हो, तो मतलब पंजाब साइड से आप जहाँ से जिस शोरूम से लेके आए आप भाई कुछ चला के लेके आए हुए हम आप ट्रॉल से मंगाई आपने भाई, कुछ चला के लाए हो। बाकी वहाँ के शोरूम से आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था सब, बहुत बढ़िया था, गाड़ी टाइम पे दे दी उन्होंने एंड आपको ऑन रोड क्या पड़ गया भाई नंबर, तो क्योंकि मैंने देख सकते हैं जब अपने व्यूअर्स आपका दिल्ली नंबर ही रजिस्टर कराया आपने, पंजाब नंबर नहीं लिया, तो आपका जो कितने का ऑन रोड पड़ गया आपको गाड़ी भाई? ये 19.5 के आसपास। आपने कोई सर्विस पैकेज भी लिए हैं क्या इसके? हाँ, सर्विस पैकेज और एक्सेसरी किट ली थी। उसका क्या प्राइस आता है मेरे भाई? सर्विस पैकेज शायद 30 के अराउंड है, 25-30 के अराउंड ऐसे कुछ है, और okay. जो इसकी एक्सेसरी किट है वो 11,000 की है। एक्सेसरी किट में क्या क्या आ जाता है आपका? ये जैसे मटला वगैरह आ गए और ये मैट वगैरह इन्होंने ऐड करके दिया है, अच्छा पीछे बिन वगैरह भी दिया है, ओके एंड मेरे ख्याल से कुशन दिए होंगे, कुशन जो पड़े हुए हैं। कर्टन आपने अलग से लिए हैं वो भी इसमें आते हैं? कर्टन दिए थे इन्होंने पीछे के लिए दिए थे बस, अच्छा जो आते हैं बिल्कुल ओके। अब अपना पॉइंट पे चलते हैं, पॉजिटिव आपको इस गाड़ी के क्या क्या लगते हैं मेरे भाई? पॉजिटिव वही है भाई, थोड़ा चलाने में इसको बहुत मजा है, मतलब अगर एनए गाड़ी में बैठो और इसमें बैठो तो जमीन आसमान का फर्क है, और ऊपर से आप 1 लीटर भी नहीं आप तो 1.5 का मैनुअल चला रहे हो, मजा तो आएगा ही आएगा। TSI इंजन है ऑब्वियसली, जर्मन इंजीनियरिंग। और क्या पॉजिटिव लगता है भाई इसका? भाई एवरेज थोड़ी सही निकाल देती है इंजन के हिसाब से, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी, मैं तो 4-5 की लेके चल रहा था, ओके पर थोड़ी गुड है, एवरेज भी अच्छी है, थ्रॉटल रिस्पांस बहुत अच्छा, गाड़ी का लुक्स बहुत अच्छी है गाड़ी में, लुक्स तो यार बेनिफिट ही बेनिफिट है इसका, वो तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। 5 स्टार भी इसका सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, स्कॉडा स्लाविया एंड अपनी वर्टस की 5 स्टार है, और ऊपर से 5 स्टार की भी हाईएस्ट रेटिंग है, सबसे ज्यादा स्कोर भी इनका ही है चाइल्ड और उसमें दोनों में, हाँ दोनों में। और अब आ जाते हैं भाई नेगेटिव पे, आपको इस गाड़ी का अब तक नेगेटिव कोई लगा थोड़े एक महीने के? अभी तो आपको टाइम लिए हुए कम हुआ है लेकिन स्टिल तो कुछ आपको फील हो रहा हो भाई? जैसे ये आवाज करता है, इसमें पैर लगने लगे ना तो इसमें ऐसी आवाज, हार्ड प्लास्टिक की थोड़ी क्वालिटी वो है इसमें, क्वालिटी जैसे मैं कंफर्ट लाइन में बैठा था 1 लीटर में, उसमें नहीं है ये प्रॉब्लम, उसकी क्वालिटी थोड़ी इससे बेटर है, पता नहीं उसका ये जो क्लस्टर है वो अलग है या टच वाला ही है? नहीं टच वाला नहीं है, कंफर्ट लाइन बेस मॉडल में बता रहा हूँ आपको। अच्छा उसमें वो रोटरी टाइल्स होंगे ना, पर उसमें आवाज नहीं करती, जैसे मेरी तो चलो हाइट थोड़ी कम है पर जैसे आप चलाओगे या मेरा कोई पापा वगैरह चलाते हैं तो उनका जब यहाँ पे पैर लगता है ना तो ये आवाज करता है, ऐसे ऐसे थोड़ी अजीब सी आवाज आती है इसको चलाने में। यहाँ से भी कहीं से आपको आती होगी डैशबोर्ड वगैरह से भी? यहाँ से तो अभी नहीं किया, अभी नहीं एक्सपीरियंस, पर वैसे लॉन्ग टर्म में मैंने जो बाकी लोगों के रिव्यू सुने हैं, दक्ष लावत भाई भी है सबसे ज्यादा, तो अभी तक हमारे ग्रुप में भाई उन्होंने ही अपनी वर्टस जीटी को चलाया है, 60-65 हज़ार चला दी उन्होंने भी साल 1.5 साल में, तो उनको भी धीरे धीरे ना हार्ड प्लास्टिक्स की रैटलिंग नॉइस की दिक्कत आने लग गई है अपनी गाड़ी में। टचवुड आपकी वाली में ना आए, बट जैसे आप बता रहे हो ना कि उन क्या पता इन फ्यूचर आपको डैशबोर्ड के टाइम में भी आ सकती है। मोरओवर सनरूफ में आपको कोई दिक्कत लगी अभी? सनरूफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, सनरूफ में कोई दिक्कत नहीं लगी, जैसे अब वो उधर बॉटल पड़ी है बॉटल, हाँ अब मैं गाड़ी चलाता हूँ जैसे अभी हम यहाँ इस रस्ते पे है तो थोड़े बम्स वगैरह आएंगे ना तो बॉटल आवाज करती है, कट 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 कट, कुछ भी रख दो आप उसमें, ये की रख दोगे ना गाड़ी की, यहाँ पे की रख दोगे, यहाँ रख दोगे, वो भी आवाज करेगी, थोड़ा बहुत रैटलिंग का इशू तो रहेगा गाड़ी में। अच्छा अब बात करते हैं भाई, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने अपनी गाड़ी में कोडिंग वगैरह भी करा रखी है, क्या क्या फीचर अनलॉक हुए थे आपके उसमें थोड़ा बहुत आपको याद हो तो? आरपीएम मीटर आ जाता है भाई, इधर ये उसका टायर एंगल्स आ जाते हैं, कलर तो रेडी आता है जीटी में, वो तो आपने चेंज कराने का नहीं समझा, अच्छा रेडी लगता है, ये मतलब मैच करता है, ये रेड है, ये भी रेड है, एम्बिएंट भी रेड है, हाँ एम्बिएंट लाइट भी आ रखी है। बाकी भाई एक चीज पूछनी थी, जब आपने वाला जो जीटी प्लस लिया था मैनुअल वाला तो इलेक्ट्रिक सीट भी आपको मिल गई और क्या बेनिफिट मिला था इसमें? आई थिंक सबवूफर भी देने लग गए ना, स्लाविया में देते थे पहले, आपको सबवूफर मिल गया और क्या मिलता था एक्स्ट्रा? ये फुटलाइट आती है नीचे रात में दिखेगी, अच्छा फुटलाइट वगैरह आती है वो ऐड हुआ, बस तीन फीचर्स ऐड हुए थे। और एक चीज पूछनी थी मेरे भाई, जैसे मैंने एक चीज सुनी थी कि इनमें ना एसी वगैरह की दिक्कत आती है, वो कोडिंग कराने के बाद कुछ आपको उसका फर्क मिला है क्या? एसी का रिस्पांस बढ़ा है कुछ? ठंड में इतना पता नहीं लग रहा क्योंकि अच्छा अभी लिए हुए आपको एक महीना हुआ है ना, दिसंबर में ज्यादातर हीटर वगैरह चला है, मेन गर्मियों के टाइम में कुछ इफेक्ट आ रहा तो समझ आता। और बाकी इसकी जो वेंटिलेटेड सीट है भाई, हीटेड तो नहीं आती, सिर्फ वेंटिलेटेड आती है, इसका रिस्पांस कैसा है मेरे भाई? यूज ही नहीं करी आज तक,
अच्छा अभी इसके भी नहीं यूज करी। अच्छा वो मेरे को गाइस कंफ्यूजन हो रही है ना, सॉरी, मैं वेंटिलेटेड सीट को मतलब मेरे में हीटेड भी आती है ना, वरना मैं ठंड के टाइम मैं तो हीटर ऑन कर देता हूँ, आपको तो वेंटिलेटेड में वो ठंड लग जाएगी। चलो अब बाकी थोड़ा सा इसका ड्राइव रिव्यू करके देखते हैं, ठीक है भाई। अब ओनरशिप एक्सपीरियंस हमने आपका जान लिया, थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं कि मेन जो माल मसाला है इसका वोल्टा सिटी 1.5 का, वो आपने मैनुअल लिया तो उसका क्या मतलब एक एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है भाई। ड्राइव रिव्यू चालू करते हैं इनिशियल का, थोड़ा बहुत चला के देखते हैं इसको। एग्रेसिव पुल नहीं करेंगे क्योंकि भाई की गाड़ी अभी नहीं हुआ है, लॉन्च वगैरह भी नहीं करेंगे इस गाड़ी को, बस एक पुल वगैरह करके देखेंगे क्योंकि GT 1.5 ना मैं अभी पहली बार चला रहा हूँ और ऊपर से मैनुअल। तो DSG तो मैंने चला के देखी भी है, उसमें जो पुश आता है वो भी अच्छा है, बट इसका पुश चेक करना क्योंकि मैनुअल है ना, ये थोड़ी ज़्यादा फ्री ड्राइविंग होगी मेरे हिसाब से। यहाँ से राइट ले लो ना, ये लेफ्ट राइट ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा, लेफ्ट हर जगह ही है, लेफ्ट राइट कहीं भी ले लो, राइट ही ले लो, राइट ले लो। अब जैसे फर्स्ट गियर तो नहीं, सेकंड गियर पे हमने शिफ्ट करा, अब एक बार पुल करके, मैंने पुल थ्रॉटल दे दिया। इनिशियल का एक लैग है इसमें, जो वो लोग कहते थे ना कि क्लच डिले वैल हार्डवेयर अपनी वोल्टा GT में वोक्सवैगन वालों ने ऐड कर दिया, वो चीज तो है गाइस, वो मिथ नहीं है, वो रियलिटी है। अब मैंने सेकंड गियर में भी जैसे थ्रॉटल दिया था ना, तो एक दो सेकंड का लैग लिया माइन्यूट, उसके बाद गाड़ी ने पुल करना चालू करा। इसका RPM से लेना देना नहीं था, बट ये लैग था ही, ये चाहे मैं 2000 RPM के बाद भी करके देखूंगा ना, तब भी वो लैग आएगा, मतलब ये टर्बो लैग नहीं है, ये क्लच डिले वैल्व है बेसिकली। अब जैसे कि हम चल रहे हैं अराउंड कितने RPM पे भाई, 2000 से ऊपर ही चल रहे हैं ना, पर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। लेफ्ट ये बार मीटर दिखाना भाई, ठीक है हम 2000 RPM के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन मैं फुल टोटल दूंगा। देखो पुश आने में टाइम लगता है, जबकि वरना के अंदर मैंने एक चीज फील करी कि 2000 के एक बाद एकदम से पुश आ जाता है उसमें, तो ये क्लच डिले वैल्व थोड़ा सा इसमें प्ले करता है। बाकी ब्रेक का रिस्पॉन्स इसका मेरे को वरना से बेटर लग रहा है, वरना के ब्रेक इतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितने इसके ब्रेक लग रहे हैं मेरे को। और आपके में भाई मेरे ख्याल से मैनुअल में भी पीछे ड्रम ही आते हैं ना, हाँ ड्रम है भाई, आगे डिस्क आते हैं, आगे डिस्क है, लेकिन फिर भी वरना से अच्छे ब्रेक इसके हैं। एंड सस्पेंशन स्टिफ है, बट आपको चलाने में इतना महसूस नहीं होगा, एंड बॉडी स्टेबिलिटी इसकी वरना से एनी डे ज्यादा है, मतलब एंथुजियास्टिक फील अगर आपको चाहिए तो वर्टर्स एनी डे आपको ज्यादा देगी। कंफर्ट के मामले में वरना थोड़ी ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके सीट के जो कुशन है ना वो थोड़े ज्यादा सॉफ्ट है, सीट कवर बोल लो आप, इसके भी अच्छे हैं, लेकिन इसका मैंने एक चीज देखी, जो रियर सीट कंफर्ट है ना वो थोड़ा सा वो है, क्योंकि उसका थोड़ी बेंच टाइप सीट है, हाँ खड़ी सीट ज्यादा है वो पीछे वाली, तो जो आपके पीछे पैसेंजर बैठेंगे फैमिली वगैरह वाले, उनको लॉन्ग उस ड्यूरेशन में 1-1.5 घंटे बाद दर्द हो सकता है, बट पीछे भी आपको जो वो मिलते हैं हेडरेस्ट, वो 3 मिलते हैं वरना में 2 मिलते हैं, तो इस चीज का बेनिफिट आपको वर्टस में मिलेगा। चलाने में तो भैया आपकी वर्टस बहुत अच्छी लग रही है, परफॉर्मेंस वाइज तो DSG एंड मैनुअल में ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन हाँ चलाने में अगर आप लैग बोलो ना, तो वरना कह रहा हूँ वर्टस के मैनुअल में लैग ज्यादा लग रहा है इनिशियल में आप। और एक चीज पूछना चाहूंगा भैया, बिल्कुल, जैसे अभी तो आपने अग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करी, बट आपने कुछ इसका टॉप एंड वगैरह टेस्ट करा है, टॉप स्पीड हाँ 203 जाती है भैया, अच्छा मैनुअल की भी 203 जाती है, तो उसका फर्क तो नहीं आया ना DSG और उसमें, बिल्कुल नहीं, अच्छा वही गाइस सेम ही चक्कर है ऐसे वरना में भी, चाहे आप DCT ले लो चाहे आप मैनुअल ले लो, दोनों की टॉप स्पीड 218 पे लॉक है, ऐसे ही वर्टस GT की भी, चाहे आप मैनुअल लो चाहे आप DSG लो, दोनों की 203-205 पे लॉक है, आपकी 203 गई थी भाई, हाँ 203 ही है, अच्छा चलो। बाकी तो गाइस यही कुछ था छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।